Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम और मेरे साथ हैं नितिन सर और कुलदीप सर। और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारी एसबीआई क्लर्क को लेकर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। 5000 प्लस वैकेंसी है, इसके लिए हमने पहले भी नोटिफिकेशन में वीडियो किया था। और आज हम लोग यहां पर जानने वाले हैं कि कैसे हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है 1.5-2 महीने का। और अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, तो ये नहीं समझना। बहुत लोग सोचते हैं ना कि 2 साल से कोचिंग करो, 3 साल से कोचिंग करो, तभी हमारा कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। आप दो महीने में भी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो कि प्री हमारा क्लियर हो जाए, प्लस साथ में मेंस भी हमारा क्लियर हो के हम पोस्टेड हो जाए बैंक में, उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। हम कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे यहां पर कि लास्ट ईयर पे कट ऑफ क्या रही है और अब क्या कट ऑफ हो सकती है। बहुत ही रात भर हम लोग सर लगे रहे इस बारे में, है ना। और रात भर में हमने बहुत ही वैकेंसीज का रेशियो ढूंढ ढूंढ के लास्ट ईयर की कट ऑफ लेकर, लास्ट ईयर के जो भी टॉपिक्स सब्जेक्ट में लेकर बहुत ही ज्यादा मंथन करने के बाद तीनों ने मिलकर, रात भर की हमारी नींद भी डिस्टर्ब हुई इसके लिए, लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ हाजिर है, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक आपको यहां पर स्किप करने, सारे के सारे पढ़ने नहीं है, ठीक है, सारे के सारे पढ़ने नहीं है। तो सारा कुछ आज कुछ यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, ये सारे लोग जुड़े रहेंगे। जल्दी से सारे लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। लाइक और शेयर तो बनता है भाई, है ना। जल्दी से जो जो आ चुका है अटेंडेंस लगाने के लिए, यहां पर अपने सेशन को लाइक जल्दी से कर दीजिए सर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैकेंसीज का मेला लग चुका है पूरी तरह से, बैक टू बैक कई वैकेंसीज आ रही है, एसबीआई की आ ही चुकी है, नाबार्ड की वैकेंसी आ गई है और अपकमिंग बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आपकी लगी हुई हैं इंश्योरेंस से भी और बैंक से भी। सो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। आज हम ये बात करने वाले हैं कि एक फ्रेशर कैसे एग्जाम को क्लियर करे। बेसिकली हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है सर, कुछ लोग तो 2 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ लोग 1 ईयर से तैयारी कर रहे हैं, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, मैं कैसे एग्जाम क्लियर करूँगा। सो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, हमारा एफर्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है, हमारा टाइम नहीं। आपको यह समझना है कि एग्जाम के लिए जितना एफर्ट चाहिए वो एफर्ट आपको देना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका डायरेक्शन गलत होता है। वो पढ़ाई तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की चीजों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं या उस तरह की चीजें नहीं पढ़ रहे हैं जिस तरह की चीजें एग्जाम में आ रही हैं। इसलिए उनका एफर्ट ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट कम हो जाता है। सो आज हम जानेंगे हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हम एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारे साथ मैथ्स गुरु मौजूद हैं, रीजनिंग गुरु मौजूद हैं और मैं आपका इंग्लिश गुरु। चलिए कुलदीप सर से भी थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद चलते हैं तुरंत उन पॉइंट्स पे जहां से एक फ्रेशर भी एग्जाम क्लियर कर सके। बिल्कुल, यहाँ पे नितिन सर ने बिल्कुल सही बात करी है। सबसे पहले सब लोगों को गुड मॉर्निंग है और मैं उम्मीद करूंगा सब लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे। आप लोगों को पूरे के पूरे पिछले 4 साल से उससे पहले तक के कट ऑफ मिलेंगे। आप लोगों को ये पता चलेगा कि कौन से एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। जैसे मैथ्स में सर ने बताया, इंग्लिश में सर ने बताया, इसमें सभी लोगों ने बहुत मिलकर मेहनत करी है। हम लोगों ने बहुत बढ़िया से आप लोगों को पूरा निचोड़ दिया है। आप लोगों को सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग सिखाने वाले हैं। तो भाई शुभम सर से ही शुरुआत करते हैं चीज़ों के साथ में। यहाँ पर हम लोगों को एक बात दिख रही है, जैसे सर ने भी हम लोगों साथ ने बोला था, सर ने भी बोला था कि आप लोगों को अभी 2 महीने हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, हम लोगों ने उस दिन नोटिफिकेशन रीड करी थी। मतलब अगर कभी भी कैंडिडेट तैयारी करता है तो उसके बाद में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर प्री का पेपर हम लोगों का जो पढ़ने वाला है वो नवंबर में पढ़ने वाला है, नवंबर में हम लोगों ने यही बोला था लास्ट के टाइम तक पढ़ने वाला है, तो अगर प्री का पेपर लास्ट के समथिंग में भी पढ़ता है तो अगर अभी से वो मैथ्स अच्छी करें, इंग्लिश अच्छी करें, तो क्या विचार है शुभम सर, मैथ्स मना सकते हैं? मतलब जैसे आप बोलते हैं कि कैलकुलेशन हाथों का खेल है और इंग्लिश में वो कैब में सर उड़वा देते हैं बढ़िया से। मतलब जो इंग्लिश का एक हुआ होता है ना, हमेशा से हुआ बोलूंगा भाई, हम लोगों को बस 2-3 आते हैं, गुड नाइट, और कभी कभी तो वो भी नहीं मैसेज करते, GN लिख के भेज देते हैं, है ना। तो मतलब सर कैसे क्या लगता है कि 2 महीने सफिशियंट होंगे क्या?
बिल्कुल सफिशियंट है। अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं तो ये सफिशियंट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा हमारे साथ। देखिए, वन साइडेड प्रिपरेशन से सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको ये चीज समझनी होगी। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, महेंद्राज आपके लिए एफर्ट कर रहा है, लेकिन आपको भी हमारे साथ उससे दुगनी एफर्ट के साथ लगना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन जितना हमारी वजह से होगा उससे कहीं ज्यादा आपकी वजह से होगा। ठीक है, सो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है, बस मिलके मेहनत करेंगे। कुल मिला के ये चीज समझनी है कि हमें अपने आप को तैयार करना है एग्जाम के लिए। एक दिन हम तैयार हो जाते हैं जब ना, तो एग्जाम तो कंटिन्यू क्वालिफाई होते ही रहते हैं। नितिन सर ने बोल दिया है कि वो दो महीने में तैयारी करा सकते हैं, शुभम सर तैयारी करा सकते हैं, और सर ने कुछ बताया भी है आप लोगों के लिए, हम लोगों की प्लानिंग भी है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को जैसे शुभम सर नहीं बोला, सर नहीं बोला कि आपको सब नहीं पढ़ना है, वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीखने हैं, मतलब प्री के हिसाब से, कि प्री में केवल इतने में से ही आता है, और आप लोग अगर ये टॉपिक करके जाओगे, इतने इतने मार्क्स तक के करके जाओगे, तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। तो ये दो महीने में क्या संभव है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बार कट ऑफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे अंकिता जी हैं, सागर साहब हैं, तो एक बार हम लोगों ने इतनी बात तो समझ ली कि एग्जाम अभी हमारा नवंबर में पढ़ने वाला है प्री का, तो अभी हमारे पास, अभी से आप अगर शुरू करते हो तो आज शायद 8 या 7 सितंबर है सर, तो आराम से, और इन लोगों के पास में सितंबर अक्टूबर नवंबर तक का वक्त है। स्टेट वाइज वैकेंसीज में जैसे हम लोग नॉर्मल रूप से देखते हैं तो काफी सारी आपको नोटिफिकेशन में भी दिखती हैं, तो ये सभी स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी हैं, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह से आप लोगों की वैकेंसी जो आई हुई हैं, टोटल 5000 की प्लस वैकेंसी हैं, और साथ में बैकलॉग की भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है ना। तो इसमें अगर जैसे सर का जो पैटर्न आता है वो आता है यहाँ पे इंग्लिश का 30 नंबर का, और यहाँ पे 20 मिनट के समथिंग में उसे अटेम्प्ट करना होता है, और सबसे पहले शायद वही ओपन होता है। हाँ, ऑब्वियसली ज्यादातर केसेस में आपको इंग्लिश ही सबसे पहले मिलता है। तो सबसे पहले इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश का सेक्शन ऐसा है कहीं ना कहीं जो आरसी का पार्ट है, क्लोज टेस्ट का पार्ट है, रीअरेंजमेंट का पार्ट है, मीन्स पैरा जंबल, वो इंग्लिश के सेक्शन का सर आई थिंक 60-70% पार्ट बना देता है। करीब 20 मार्क्स के आपको यही सेक्शंस मिलते हैं, 20, 21, 22, बाकी आपको मिसलेनियस सेक्शंस मिलते हैं। ठीक है, मिसलेनियस सेक्शंस में आपको ये देखिए, सामने है आपके पास इंग्लिश का पैटर्न जो भी है, जैसे अगर मैं एक्सपेक्टेड देख रहा हूं अभी किस किस सेक्शन से किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये एक बहुत बड़ा दुख है, दर्द है हमारे एस्पिरेंट्स का कि सर आरसी में कितना भी कर लो लेकिन सर समझ नहीं आता, टाइम बहुत सारा जाता है लेकिन चीजें हो नहीं पाती उतने टाइम में, हम रीड करते करते परेशान हो जाते हैं। तो आरसी को हम कैसे ट्रिकी वे में इंप्रूव करेंगे, कैसे हम अपनी रीडिंग को इंप्रूव करेंगे, दैट मैटर्स मोस्ट। अब यहां से अगर हम देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 8-10 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें वोकैब के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस सिनोनिम और एंटोनिम से होते हैं। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स, 4-5 मार्क्स के आपको मिल जाते हैं, कभी सिंगल फिलर, कभी डबल फिलर भी आपको मिलते हैं, कभी न्यू पैटर्न के फिलर्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ सिनोनिम एंटोनिम से 2-3 क्वेश्चंस, ज्यादातर ये क्वेश्चन अलग से ना आके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट पे ही आपको मिलते हैं, साथ ही साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैरा जंबल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फंसाता है हमको एग्जाम में, इससे आपको 5 क्वेश्चन के आसपास इन जनरल मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी 6 भी हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी साथ में दे देता है 1-1 मार्क के, साथ ही साथ सेंटेंस करेक्शन, अगर मैं सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करूं, इससे भी आपको 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्लोज टेस्ट और फिलर्स, ये 5-7 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अब क्लोज टेस्ट और फिलर्स ऑब्लिक लगा के क्यों लिखा गया है, रीजन क्या है, कभी कभी आपको क्लोज टेस्ट देता है तो फिलर्स के सेक्शन को नहीं देता, और अगर फिलर्स के क्वेश्चंस हैं तो क्लोज टेस्ट एग्जाम में नहीं मिलता, मींस ऐसे एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहता है क्वेश्चंस की। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस की, 1-2 क्वेश्चंस आपको इडियम्स से मिल जाते हैं। हाँ, ये चीज नहीं है, बैंकिंग एग्जाम में पहले इडियम्स नहीं आता था, और अब हम देख रहे हैं अक्सर आपको एग्जाम में 1-2 इडियम्स और फ्रेजेस मिल जा रहे हैं, वर्ड यूजेस से 1-2 क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले क्या होता था, वर्ड यूजेस सिर्फ मेंस में पूछा जाता था, लेकिन अब वर्ड यूजेस से कुछ क्वेश्चंस आपको प्री लेवल में भी मिल जाते हैं,
आते हैं और साथ ही साथ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको 4 to 5 अलग अलग सेक्शन से मिलते हैं, जैसे पैरा कंप्लीशन हो गया, पैराग्राफ आपको कंप्लीट करना है इससे रिलेटेड, या पैसेज कंप्लीशन हो गया इससे रिलेटेड सेक्शंस आपको मिलते हैं। अब एक चीज समझनी है आपको अच्छे से, इन सारे सेक्शंस को अगर आप ऐड कर ले तो आप कहेंगे ये तो 30+ हो गया सर। बिल्कुल 30+ हो गया, लेकिन कुछ एग्जाम्स में क्या रहता है, कभी क्लोज टेस्ट आया, फिलर्स नहीं आया, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आए लेकिन फिलर्स का यूज नहीं हुआ, या फिलर्स से आया सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं आया, ऐसे कुछ रहता है। अल्टीमेटली हमें पढ़ाई इन सारे सेक्शंस पे करनी, रेगुलरली स्टडी हमें इन सारे सेक्शंस पे करनी है। क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है इन सारे सेक्शंस पे, आप सभी को पता है, ठीक है। अभी रीजनिंग गुरु आपको बताएंगे कि रीजनिंग से किस तरह के सेक्शंस आ सकते हैं, मैथ्स गुरु बताएंगे मैथ्स से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन ओवरऑल हमें इन सेक्शंस पे अपने आप को पूरी तरह से कंसोलिडेट करना है, मजबूत करना है। और 10:30 की जो इंग्लिश की क्लास है, इन सारे सेक्शंस के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ही बात होगी वहां पे। सिर्फ 2 महीने हैं, 2 महीने में हमें एग्जाम क्लियर करके रहना है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का, हमें करना है और करके रहना है। चलिए, यहाँ पे सर ने एक बात बहुत अच्छे से प्रूव कर दी है कि सर जो कह रहे थे कि हम 2 महीने में कराएंगे, तो सर ने भाई सिद्ध कर दिया है। उन्होंने एक नॉर्मल रूप से पूरा ढांचा खींच के रख दिया कि इस टॉपिक में से इतने इतने क्वेश्चंस तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग बहुत बड़ी रामायण मत पढ़ो मेरे भाई, पेपर में नहीं आता उतना। और सर ने बिल्कुल सही बात करी है, ऐसा नहीं है कि आप जगह जगह हथौड़ा मारते रहोगे, आपको केवल मेन जगह हथौड़ा मारना है और वहीं से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं शुभम सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सर ने भी मैथ्स का अपना बताया है, तो सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा। मैथ्स के सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जरा बताएं। सबसे पहले तो आप लोगों को यह देखना है भाई कि पहले डरना नहीं है। मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ यही बात कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा ही होगा, या सिर्फ जो 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप सिलेक्शन सही वे पे पढ़ाई कर रहे हो, आप वही सेक्शंस पढ़ रहे हो जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ के हमें ब्रह्मा जी थोड़ा ना बनना है, ठीक है, तो तब हमारा सिलेक्शन होता है। तो ज्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि कट ऑफ भी यहां पर डिस्कस करनी है। मैं जल्दी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं जो जो हमारे यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है मैथमेटिक्स जो हमारा है, ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूं टॉपिक्स में क्या क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से रैंडमली कभी कभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और लास्ट में हम लोग ये जरूर डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारा इजी और मॉडरेट लेवल का पेपर होता है उसमें हमें किस सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए, देना कैसे चाहिए वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझते हुए हमें चलना है यहां पर कि हम एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। और मेरा सीधा सा फंडा ये है कि आपको 32+ क्वेश्चन तो करना ही करना है, 32+ क्वेश्चन यहां पर आपको करने हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। क्योंकि मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज में पढ़ाई बच्चे को करने देना चाहता ही नहीं कि वो रिजल्ट का वेट करे। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर बच्चे ने एग्जाम दिया है तो वो एग्जाम देने के बाद आके डायरेक्ट मेंस की तैयारी शुरू कर दे, ये नहीं कि वो प्री में ही अटका है कि अरे यार रिजल्ट पता नहीं हमारा सही आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, यह सब फंडा गया। हम इतना ज्यादा अटेम्प्ट करके आ जाएंगे कि कोई माइके लाल आ जाए हमारा रोक नहीं सकता एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर हम स्पीडी मैथ की बात करें तो स्पीडी मैथ में क्या क्या हो सकते हैं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अभी मैं बताऊंगा। सिंप्लीफिकेशन से आपको जो मैंने उठाया है 3 से 4 साल तक के पेपर से डेटा, वहां पर सिंप्लीफिकेशन के आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। मिसिंग नंबर सीरीज से आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं, ना ही क्यूबिक इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहां पर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और हमेशा जो डीआई आपकी पूछी जा रही है वो टेबल डीआई या पाई चार्ट या लाइन ग्राफ या बार ग्राफ डीआई में से एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है, और फर्स्ट को 1 क्वेश्चन हमें पता है कि यह कितने इंक्लूड करता है, 5 क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड करता है, यानी 10, 15, 20 and 25 क्वेश्चंस हमारे स्पीडी मैथ से यहां पर पूछे जा रहे हैं। 25 क्वेश्चंस यहां पर हमारे स्पीडी मैथ से पूछे जा रहे हैं, और किसी किसी सेट में यह देखा गया है कि वहां पर कभी कभी मैं बार बार बोल रहा हूं, यह फिक्स है,
ये फिक्स है, लेकिन आपको भी पता है कि शिफ्ट इतनी ज्यादा होती है कि वेरिएशन थोड़ा बहुत संभव हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अगर उस हिसाब से देखें हम यहां पर, तो कभी कभी अप्रोक्सीमेशन या रॉन्ग नंबर सीरीज, कभी कभी, ठीक है। और कैसलेट डीआई और मिसिंग डीआई भी यहां पर पूछी गई है, बट मैं फिर से यही बात बोलूंगा कि अगर एग्जाम में आपकी कैसलेट डीआई या मिसिंग डीआई आ रही है तो आप इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। आप इसको क्यों स्किप कर देंगे? स्किप इसलिए कर देंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत टाइम टेकिंग होगी, और इतना टाइम जब हम इस डीआई में देंगे, इससे अच्छा है कि हम इतने ही टाइम में कोई दूसरे क्वेश्चंस क्यों ना कर लें वर्ड प्रॉब्लम के, ठीक है। उसके बाद मैंने अगला जो सेशन रखा, मतलब अगले जो स्लाइड है हमारी, उसमें हमने क्या रखा है भाई, उसमें हमने आपको पूरा का पूरा ये बता रहा हूं मैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे क्वांट के इंपॉर्टेंट हैं, अर्थमैटिक के इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरह से उनको सीरियल वाइज हमें करना चाहिए वहां पे अटेम्प्ट, वो भी मैंने रखा है, ठीक है। तो यहां पर 25 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, तो इस सेक्शन से यहां पर हमारे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर हमारे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई? 10 क्वेश्चंस यहां पर हमारे पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो टाइम एंड वर्क, एज, पार्टनरशिप रेशियो, मिक्सचर, परसेंट प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट, ठीक है, ट्रेन, एसआईसीआई, बोट एंड स्ट्रीम और मेंसुरेशन, ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहां पर, ठीक है, जिनसे बिल्कुल लगातार क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप ये टॉपिक्स चाहो तो ये टॉपिक्स आप हटा के भी चल सकते हो, ये टॉपिक्स आप अगर चाहो तो इन टॉपिक्स को आप स्किप करके भी चल सकते हो, क्योंकि इनमें कभी कभी ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है। यहां पर ये सारे के सारे, इससे पूरे से ये कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से ही 10 क्वेश्चन हमारे बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं, और बाकी ये जो टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, क्या क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन जिसमें दो आपको दे देता है क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू, और आपको यहां रिलेशन बताना पड़ता है कि कौन सा वाला हमारा ग्रेटर होगा या लेस होगा। ये क्वेश्चन अभी अभी आए हैं, 3-4 साल पहले से इन क्वेश्चंस की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को वहां पे डाला जाता है, लेकिन एक सेशन में इसके लिए भी लेके आऊंगा कि इन क्वेश्चंस की भी क्या ट्रिक है, कौन सा क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट करें, कौन सा क्वेश्चन यहां पर बाद में अटेम्प्ट करें, ठीक है। उसके बाद मैंने पेपर को दो तरह से डिवाइड किया, एक मैंने इजी लेवल का किया और एक मैंने मॉडरेट लेवल का किया। इजी लेवल का पेपर अगर आ रहा है हमारा, स्पीडी मैथ हमारी 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अर्थमेटिक का सेक्शन अगर हमारा 10 क्वेश्चंस का आ रहा है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि ऐसे पेपर में आप मिनिमम 32+ क्वेश्चन करके ही आओगे एनी हाउ कैसे भी, ठीक है। और स्पीडी मैथ के लिए आपको 25 क्वेश्चंस के लिए यहां पर 12-13 मिनट्स का ही टाइम लेना है, ठीक है। और यहां पर 10 क्वेश्चंस में आपके पास 7 to 8 मिनट्स का टाइम हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। 7 to 8 मैंने उल्टा लिख दिया, 8 to 7, 7 to 8 मिनट का टाइम यहां पर हमारे पास रह जाएगा। और यहां पर हमको जो क्वेश्चंस करने हैं वो कितने करने हैं भाई? यहां पर क्वेश्चन करने हैं हमको 7 to 8 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहीं पर मॉडरेट लेवल की बात करें तो अगर 20 क्वेश्चंस अगर मॉडरेट, थोड़ा सा पेपर अच्छा आ जाता है, मॉडरेट लेवल का आ जाता है, मॉडरेट लेवल का पेपर कब बन जाता है भाई? वहां पे 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। स्पीडी मैट के वर्ड प्रॉब्लम जिसमें हमें टाइम लगता है, उसमें क्वेश्चंस अगर ज्यादा हो जाते हैं तो यहां पर 20 क्वेश्चंस के लिए हमें 8 मिनट का टाइम लेना, 8 मिनट्स का, और 12 मिनट्स का टाइम यहां पर लेना है। और ओवरऑल अगर हम यहां पर 30 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो इतना हमारे लिए बहुत हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी और जो चीजें हैं, और हम कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं और कैसे इस तरह हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को इतने कम टाइम में कर सकते हैं, वो सीखना है। वो मैथमेटिक्स की डेली क्लास चल रही है 11:30 पे, उस पे आप जुड़िए और उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जो मैंने टाइम लिखा 12-13 मिनट का, जिसमें 25 क्वेश्चंस हमने किए हैं, डीआई हम लोग ओरल कैसे कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी डीआई, हम सारा कुछ यहां पर सीखने वाले हैं। टाइम कम है, मैं रीजनिंग गुरु जी को जल्दी से बुलाऊंगा कि वो अपना रीजनिंग के बारे में डिस्कस करें और जल्दी से कट ऑफ को बता दे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। सिद्ध करने के लिए बोल दिया है सर ने, बता दिया है वो 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोगों के 32+ अटेम्प्ट करवाने की बात कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपको आगे क्लासेस भी करनी चाहिए, है ना। जब आप आगे क्लासेस करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आप किसी चीज को जल्दी कैसे कर सकते हैं। चीजों को बात करनी ही नहीं है, सर सिद्ध भी करेंगे इस चीज को, और मेरे भाई वो तभी आप लोग भी सीख सकते हैं जब आप सर के साथ जुड़ेंगे।
तो सर की 11:30 पे क्लासेस होती है, नितिन सर ने अपना टाइम बताया ही था। नितिन सर की क्लासेस का टाइम आप लोगों का जो था वो 9 बजे का था, वो सॉरी 10:30 का था। 9 बजे एक्चुअली मेरा टाइम होता है ना, तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर भी रहता है कि मैं अपनी क्लास के लिए आते मैं ही बता दूँ आप लोगों को, है ना। यहाँ पे नितिन सर ने बिल्कुल 10:30 का टाइम रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात, रीजनिंग के पार्ट ऑफ व्यू पे एक और देख लीजिएगा आप लोग, आपको रीजनिंग में मशीन इनपुट नहीं पढ़ना, लॉजिकल नहीं पढ़ना, आप लोगों को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं नॉर्मल रूप से। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज के 5 से 7 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6, ब्लड रिलेशन के 2 से 3, डायरेक्शन 2 से 3, इनक्वालिटी 3 से 5, स्लॉक्स 3 से 5, सिटिंग और पजल इसका इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। मतलब अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो सिटिंग पजल का आप मोस्टली ये मान लीजिए कि आप लोगों का जो क्वेश्चन बनता है वो 20 मार्क्स का बनता है, तो बाकी रेस्ट आप लोगों के जो लेके जा रहे हैं वो आप लोगों के 15 मार्क्स लेके जा रहे हैं, है ना। तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए, और आप लोगों को जो चीज चाहिए वो केवल और केवल एक है, और वो है आप लोगों के साथ में क्या, केवल और केवल स्पीड। चलिए, आप लोग एक और बात के लिए जो यहाँ पे सेशन में आए थे, आपको उसका टाइम भी वेस्ट नहीं करते हैं। सर IBS PU की कट ऑफ और सिलेबस बता दीजिए। IBS PU के बारे में भी हम लोग बेटा सेशन को लेंगे, क्योंकि IBS PU में भी अब कम समय बचा है आप लोगों की, इसके लिए मैराथन भी आएंगी, तो IBS PU का पार्ट भी आप लोगों के लिए यहाँ पे बनने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सीधे सीधे आप लोगों के साथ में बात करता हूँ कट ऑफ की, है ना, कि हम लोगों की वैकेंसीज क्या थी, 18 के बाद में क्या थी, प्री का इसका नॉर्मल हम लोगों ने आप लोगों को पैटर्न दिखाई दिया था, है ना। देखिए, नॉर्मल रूप से प्री का पैटर्न आप लोगों का वही है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, जो आप लोगों को पता ही है। मतलब आप लोगों को बहुत मेहनत नहीं करनी है, आप लोगों को सबसे पहले प्री क्वालिफाई करना है, फिर आप लोगों का अपेयर होता है मेंस, और मेंस के लिए भी आप लोगों को कम से कम 1 महीने का टाइम मिलता है, और प्री के लिए अभी आप लोगों के पास 2 महीने का एटलीस्ट टाइम है मेरे भाई, ठीक है। वैकेंसीज ऑलमोस्ट 2021 के बराबर ही इस साल भी देखने को मिल रही हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इससे पहले भी आप लोगों को वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही हैं, है ना। अगर आप कट ऑफ की बात करते हो तो ये एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप लोगों को मैंने यहाँ पे 4 साल तक की कट ऑफ रखी है, 2021, 2020, 2019, 2018, तो आप आराम से अपनी कट ऑफ को भी यहाँ पे जज कर सकते हो। आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं उस स्टेट का ध्यान रखिए, उस स्टेट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग चलिए, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता बदलाव आएगा। यहाँ पे मैं एक बार नितिन सर को और बुलाना चाहूँगा। नितिन सर, आपको क्या लगता है, क्या 2021 वाली ही कट ऑफ रहेगी या कुछ बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं, है ना। देखिए सर, जो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, ऐसे तो कहना प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं हमारे पेपर का लेवल। सो अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, अगर पेपर का लेवल आपका इजी रहता है या जैसा लेवल था 2021 का वैसा भी लेवल अगर रहता है, तो कट ऑफ बिल्कुल थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ये 81.25 की कट ऑफ 90 पहुँच जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कट ऑफ 81 से 71 भी हो सकती है अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा आ गया तो, ठीक है। बेसिकली क्लर्क के लेवल में आपको मैं रियल बताऊं तो, आप पेपर खुद उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप हमारे स्पीड टेस्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ने सब्सक्रिप्शन जरूर ले रखा होगा, महिंद्रास के ST पोर्टल से जुड़े हुए होंगे। अगर आप स्पीड टेस्ट रेगुलर बेस पे सॉल्व कर रहे हैं और उसके बेस पे जब आप पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो पेपर आपको ईजी लग रहा होगा सर, ठीक है। सो बिल्कुल कट ऑफ हो सकता है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट इसमें हो सकता है, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान का, तो 77.75 गया, झारखंड 69.25, हरियाणा 79.75, केरला 69, मीन्स डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेट पे भी, कि वहाँ के बच्चे कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कितना स्कोर जा रहा है एस्पिरेंट्स का, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर, आपके इंग्लिश में मतलब ओवरऑल कितने अच्छे अटेम्प्ट आप मानते हो, मतलब इतना तो करना ही करना है। देखिए, मान लीजिए थोड़ा हाई लेवल आ जाता है, देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, थोड़ा मान लीजिए डिफिकल्टी लेवल भी आ जाता है, थोड़ा मॉडरेट लेवल आ जाता है, इजी आएगा तो मुझे इतना पक्का भरोसा है कि अगर आप नितिन सर से बड़े हुए हैं तो आप ये बोलेंगे 30 क्वेश्चन हमने कर दिए और वहाँ टाइम बचा रहेगा, है ना, ये मुझे पूरा भरोसा है। आप शुभम सर से बड़े हुए हैं तो आप यही बोलेंगे मैथ्स में हमने 35 क्वेश्चन कर दिए और सारा के सारे करके आ गए, अब तो हमारा कंफर्म सिलेक्शन। सो इंग्लिश की अगर मैं सर बात करूं, तो देखिए एक चीज समझिए, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट आ गया। इंग्लिश के सेक्शन में आपको मैं रियल बात बताऊं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी तक का, जो मैं 10 ईयर्स के पेपर आपके देखा, उसके अंतर्गत जो टफ से टफ पेपर था उसमें भी 10 क्वेश्चन ही टफ थे। मतलब 20 क्वेश्चंस आपको इजी और मॉडरेट लेवल के मिले, 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें एस्पिरेंट्स को डिफिकल्टी हुई।
तो उसके लिए मैं एक मेथड बताता रहता हूं आप सबको अक्सर कि कैसे आपको इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे एक स्कोर लिखा हुआ है आपका 23 से 25। अगर आप 20 प्लस स्कोर इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं इट वुड बी अ गुड स्कोर, क्योंकि 30 में से है और बाकी सब 35 में से जाते हैं तो इसका काफी। अगर आप 20 प्लस स्कोर कर, देखिए इंग्लिश का दर्द भी तो है, आप यूपी में बात कर लीजिए, आप किस स्टेट से, फटाफट चैट बॉक्स में एक बार बता दो सभी जो यूपी से हैं, बिहार से हैं या अलग अलग स्टेट से सब बिलोंग करते हैं। अब सबका इंग्लिश तो अच्छा होता नहीं, आरआरबीज में क्या होता है कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग रहता है, तो जिसका इंग्लिश वीक है वो भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, इस पर्टिकुलर एग्जाम में, तो आपको इंग्लिश भी पूछा जाता है, तो सिंपल सी चीज है, कट ऑफ आरआरबी से आपको कम ही देखने को मिलेगा। आप सीधे सीधे हम लोग मेन बातों पे आते हैं। यहाँ पे हमारे साथ शुभम सर भी हैं, तो हम लोगों को एक बात जान ली, कट ऑफ कितनी थी लास्ट ईयर, अभी वैकेंसी है, अभी हमारे पास समय है। दूसरी बात, आप लोगों को इतनी बात पता है, अगर आप बैंक में क्लर्क भी बनते हैं तो इंटरनल प्रमोशंस के थ्रू आप काफी आगे तक जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हम लोग ये कल से डिस्कस कर रहे थे, जैसे सर ने बोला कि देखिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है, जैसे हम लोग क्लासेस के थ्रू कर रहे हैं, हम लोगों ने आपको ये बता दिया। अच्छा सर, जैसे अब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, एक नॉर्मल कैंडिडेट अभी से मतलब क्या प्लानिंग करे, मतलब एक बच्चों में एक वो रहता है ना कि पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे सर उसके बाद मॉक देना शुरू करेंगे, या अभी से मॉक देना शुरू कर दे, क्योंकि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कल शुभम सर कह भी रहे थे, सर जब भी एडमिट कार्ड आ जाए तो एक बात का कैंडिडेट को बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो मैंने शुभम सर से पूछा सर क्या ध्यान रखना चाहिए, तो शुभम सर ने बताया था हमेशा उसी टाइम जिस टाइम पे आपका पेपर होने वाला है, मतलब एक बजे पेपर होने वाला है, उस टाइम पे एक बार मॉक उसी टाइम पे जरूर देखे देखिए। तो क्या मतलब प्लानिंग रखना चाहिए स्टूडेंट को, इसका ये सिर्फ और सिर्फ मेरा इस बात से यही मतलब था कि अगर आपका एक बजे एग्जाम हो रहा है तो अगर आप एक बजे से डेली मॉक देते हो तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के अंदर ये होता है ना, वो मॉर्निंग में जल्दी जग जाते हैं तो उनको नींद आ जाती है एक बजे से, है नहीं सर? तो एग्जाम में भाई पहले तो खूब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस दिन एग्जाम में पहुंचते हैं बेचारे थके तो थोड़े से होते ही, अगर दूर सेंटर गया है तो वहां पे थोड़ी सी नींद आने लगती है, तो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिगड़ने लगती है, ठीक है। दूसरी बात, मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहूंगा, जैसे सर ने अटेम्प्ट बताए भी हैं, सर एक बार स्लाइड भी आप लगा देना, यहाँ पे अटेम्प्ट यहाँ पे सर ने बताए हैं, यहाँ पर कितने यहाँ पर 21 to 25 डिफिकल्टी लेवल लगाकर कुलदीप सर ने बिल्कुल यहाँ पे बताया, बट मैं तो सिर्फ और सिर्फ, मेरे बच्चे भी ये जानते हैं सर, ये बच्चे जितने ना ये सारे आग लगा देंगे, आप देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा हमारे पास मतलब स्लाइड पूरी की पूरी सर हम भरते भरते रह जाएंगे, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन इस बार होने वाला सर, मैं नॉर्मल रूप से बोलता हूँ बैंक में बच्चा एक ही बात बोलता है सर, अगर हमारी मैथ स्ट्रांग हो जाए ना तो हमारा पेपर निकल जाएगा, मैथ स्ट्रांग अगर हो जाए तो हमारा पेपर निकल जाएगा बिल्कुल सर, और इसके लिए शुभम सर पूरे टाइम लगे रहते हैं, जितना वो डीआई बनाने में, कॉन्सेप्ट बनाने में, मॉक के क्वेश्चंस देखने में, स्पेशली पीवीएस ईयर पे मतलब फोकस है, सभी लोगों का फोकस है इसका। इनको 11:30 बजे सिर्फ और सिर्फ जुड़ना है, 25 नंबर आपने रखा है यहां पर, लेकिन मैंने हर बार मैं हर क्लास में ही अपने हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बात करता हूं कि सर रिजल्ट का अगर इंतजार करना पड़े प्री का, कि प्री का रिजल्ट आएगा वो उसमें हमारा होगा या नहीं होगा, उसमें मैं विश्वास नहीं रखता, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानता हूं कि एग्जाम हम लोग ऐसा करके आए, इतने ज्यादा अटेम्प्ट करके आए कि हमें कहीं भी हमें प्री के रिजल्ट का वेट करना ही नहीं पड़े, और पहले दिन से हम लोग मेंस पे यहां पर लग जाए। यहां पर हम लोगों ने आप लोगों को 2-3 बातें समझाई, सबसे पहली बात आपको सब नहीं पढ़ना, जो सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए मैथ में, रीजनिंग में या इंग्लिश में, आपको केवल उन पर फोकस करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, हम लोगों ने आपको एक बात बहुत अच्छे से समझा दी है, अभी से ही मॉक की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आगे जाके मॉक करते हैं, अभी से अपनी तैयारी रखिए मॉक के लिए। मैं बहुत लंबा सेशन नहीं ले जाऊंगा, आप लोगों को ये पूरी सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आईपीएस पीओ की वैकेंसी 1 महीने बाद रहने वाली है, एफसीआई की भी है, और हमारे लोगों का जो मेन टारगेट है वो ये है, और हम लोग इसके लिए आप लोगों से बोल रहे हैं प्री का पेपर आप 2 महीने में अभी तैयार नॉर्मल रूप से आसानी से उड़ा के कर सकते हैं, सभी के टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर है, सभी के पॉइंट हैं, आप लोगों को बस इतनी बात ध्यान रखनी है अपनी अप्रोच बदलनी है अपना, जिस टाइम पे मान लीजिए आप लोगों को जब एडमिट कार्ड आ जाए उस टाइम पे मॉक जरूर दीजिएगा, अभी से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, मॉक अभी से लगाने शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, आज सर स्क्वायर निकालने की बड़ी शानदार ट्रिक बताने वाले हैं, तो सर की क्लासेस में आप लोगों ने अटेंड करा, उसके बाद में आपने उसका रिवीजन भी करा, क्योंकि सर शायद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरा ख्याल है, और यही आपका एक विनिंग फॉर्मूला है, आपको रुकना नहीं है, मॉक देने हैं लगातार बार बार,
मॉक आपको महिंद्रा की साइट पे भी मिल सकते हैं जहां पे आप आसानी से प्रीवियस ईयर को फोकस करते हो मॉक दे सकते हैं। अगर आपको लगता है अगर आप थोड़ा सा वीक जा रहे हैं, क्लासेस के कॉन्सेप्ट पहले सीखिए और उस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल करते रहना है, बार बार रिविजन करना है, एक प्रॉपर सही शेड्यूल बनाना है। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट सबसे ज्यादा जो देता है वो मॉक होता है, बिना मॉक के कोई सिलेक्शन संभव नहीं है और वो भी प्रीवियस ईयर के साथ। अच्छा अब सर, सर ने एक बात बहुत बोली थी कि प्रीवियस ईयर वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग जो करेंगे वो स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। कैंडिडेट को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्रिक के साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी क्लासेस में, बस आप लोगों को नॉर्मल रूप से उन्हीं सेशंस को प्रॉपर रूप से अटेंड करना है। और अभी बहुत अच्छी बात यह है, थोड़ी देर में इंग्लिश वाले सर का सेशन होने वाला है, उसके बाद मैथ्स वाले सर का भी सेशन होने वाला है, तो सर एक बार सेशंस की जरा टाइमिंग वगैरह। अच्छा एक चीज सर, बच्चे कमेंट पे पूछ भी रहे थे आईबीपीएस पीओ के बारे में, पूछ रहे थे कि आईबीपीएस पीओ का हम वो बता दें, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए इतना ही कह देता हूँ, जिस दिन हमारा पीओ का एग्जाम है उसके एक महीने पहले से हम लोग डेली मॉक्स स्टार्ट कर देते हैं आईबीपीएस पीओ के, कैसा रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपके चैनल पे फ्री क्लास होगा या पेड होगा, रंजीत जी पूछ रहे हैं, सो सर बिल्कुल फ्री है और बस आपकी सक्सेस उसकी कॉस्ट है, ठीक है, मेहनत करनी है, पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है सर, जो भी करना है, लेकिन ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है आपकी, कोई कॉस्ट नहीं है इसकी, बस टाइमिंग का याद रखिए, लाइव आ जाना है इस टाइम पे, जैसे कि आपका कुलदीप सर की जो क्लास है 9 AM पे आपकी क्लास है, रेगुलरिटी के साथ जुड़िए, एक बार जुड़िए और देखिए क्या एग्जाम के लेवल की चीजें हो रही है या नहीं हो रही है, खुद ही रिलेट कर पाएंगे। मेरे साथ जुड़िए, अभी मैं 10:30 से तुरंत शुरू ही कर रहा हूं, अभी 5-7 मिनट्स में क्लास है आपकी 10:30 से, तो जुड़िए और देखिए आज एडजेक्टिव पढ़ाने वाला और एडजेक्टिव से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एसबीआई पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन आईबीपीएस पूछता है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे आज हम। साथ ही साथ शुभम सर का क्लास है 11:30 पे मैथमेटिक्स का, और आप रिलेट कर सकते हैं कि क्या मैथ्स में जो पढ़ाया गया उस तरह की चीजें एग्जाम में आ रही हैं, क्या इंग्लिश में जो पढ़ाया गया उस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं, क्या रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही आ रहे हैं। जब आप वो तैयारी करते हैं जो एग्जाम के लेवल की है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है प्रिपरेशन का राइट डायरेक्शन, और उसी बेस पे आपको सक्सेस मिलेगी। ओके सो सर, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी लोगों ने अपनी टाइमिंग बता दी है, मेरी टाइमिंग 9 बजे है, मेरे बाद में नितिन सर की टाइमिंग बैठेगी 10:30 पे, उसके बाद हमारे साथ में शुभम सर की टाइमिंग बैठेगी मैथ्स के लिए। आप लोगों को तरीके पता चल गए हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी क्लास में प्रॉपर बता रहे हैं, साथ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चन मेनली फोकस कर रहे हैं, और मॉक देना बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी प्लानिंग यही है। आपको टाइम टू टाइम गाइड हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे, आपको बस एक एक दिन करके दिन पे दिन बेहतर बनना होता है और फिर हम लोग बूम कर जाते हैं। तो बस इसी के साथ में आप लोगों को 10 मिनट बाद नितिन सर के साथ ज्वाइन करना है, उसके बाद शुभम सर के साथ ज्वाइन करना है, और धीमे धीमे आप लोगों में बदलाव आने अपने आप शुरू। रेगुलरिटी है ये, एक दिन का क्लास कोई नहीं है, ये रेगुलर क्लास है, मंडे टू सैटरडे हमारा क्लास है। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, जस्ट टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर।